जनपद के इंचार्ज सचिव प्रभारी श्री मनिंदर सूद और हमारे छत्तीसगढ़ से आए इस जिला पंचायत चुनाव के प्रभारी श्री तुकाराम। आज जो प्रेस वार्ता की गई है, किस तरह की प्रेस वार्ता की, क्या मुद्दा लेगा आप? देखिए, आज जो प्रेस वार्ता की गई है, इसमें सबसे पहला तो मुद्दा यही है कि जो चुनाव चल रहे हैं जिला पंचायत के, जिला पंचायत का चुनाव एक मेन चुनाव होता है और मेरा अपना मानना यह है कि ये चुनाव मिनी एमएलए का चुनाव है। 8-10 गांव का चुनाव है, किसी भी वार्ड में, एक वार्ड में 8-10, 12-16 तक गांव होते हैं और किसी भी वार्ड में नियर अबाउट 50,000 के करीब वोट होती हैं। 48,000, 49,000, 52,000, 53,000 जितने हमने सब रिकॉर्ड निकलवाए हैं, तो 50,000 वोटों का चुनाव कम नहीं होता है और इसमें हर पार्टी की परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो ये चुनाव लड़ाना बहुत ज़रूरी है, इसे हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव को लड़ाएंगे। जो है हमारी सारी पूरी टीम जो है, मैं स्वयं, हमारे नगर अध्यक्ष और हमारे जो प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं श्री सूद साहब और छत्तीसगढ़ के प्रभारी तुकाराम जी और हमारी पूरी कांग्रेस कमेटी और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई आखिर लाना जी बैठे, सतीश शर्मा, गुप्रांत काजमी, ब्रजभूषण जी, सभी पार्टी के लोग बैठे, सभी मिल बांट के हम काम बांटेंगे सब लोगों में और पूरे ज़िले में मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे। मेन देखिए, मुद्दों से अगर मैं गिनवाने शुरू करूं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है इस सरकार में। जो है ये झूठे लोगों की सरकार है और आज देखिए, किसान पीड़ित है, मजदूर पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित है, ठेली वाला, रेडी वाला, कोमचे वाला, सब लोग पीड़ित हैं। किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसान, लाखों किसान वहाँ सड़ पड़ा है दिल्ली में, 4 महीने हो चुके। जो है ये इतनी बेदर्द सरकार ने देखी, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सत्ता पक्ष का मुकाबला कैसे कर पाएंगे आपके चुने हुए? देखिए, प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष का मुकाबला हमेशा जनता के द्वारा किया जाता है। आज हमें जनता का समर्थन प्राप्त है, जनता ने हमें आश्वस्त किया, मजबूती से जनता हमारे साथ में रहेगी और जनता ही सर्वोपरि होती है। प्रजातंत्र में जो है जनता का ही मत चलता है और जनता के द्वारा हम चुनाव लड़ेंगे। हमें पूरा विश्वास है हमारे जो सकारात्मक रिजल्ट आएंगे, हमारे प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आज जनपद मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने अपने पहली सूची जारी की है, जिसमें 19 वार्डों के, अलग अलग वार्डों के नाम आज जारी किए गए हैं। इस प्रेस में आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा जी, मनिंदर सूद वाल्मीकि जी, जुनेद भाई हमारे प्रभारी हैं दूसरे छत्तीसगढ़ के, और हमारे अखिल राणा जी, सतीश शर्मा जी, गुफरान काजमी साहब, सभी लोग हमारे माइनॉरिटी फ्रंटल के सब लोग यहाँ शामिल हुए हैं। 19 बाकी हम लोग प्रोसेस में हैं, चूँकि प्रदेश कार्यालय से जारी हुआ है, आज शाम को या कल सुबह तक हम जारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर सभी वार्डों से आवेदन आए हैं, उन पर विचार चल रहा है और विचार के बाद फाइनल करके वरिष्ठ नेताओं से बात करके प्रदेश की तरफ से वो जारी किए जाएंगे। हम लोग हमेशा जमीन पर रहकर के चुनाव लड़ते हैं, जमीन पे गांव के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे सलाह करके ये प्रत्याशी घोषित किए गए और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा।